नमस्कार दोस्तों, आज जो कविता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मेरा नाम सिपाही, जो मनोज मुंतशिर जी की लिखी हुई कविता है उनके किताबी संकलन मेरी फितरत मस्ताना से। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज़ बड़े, सियाचिन की सरहद पे कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना मुझे घोड़ी पे लेके जाना, पूरे गांव में घुमाना ढोल के बजाना और मेरी माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं लाया तो क्या, पूरी बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमोजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लेके आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने दुश्मन की गोली पीठ पे नहीं खाई है, आखिरी गोली भी सीने पे खाई है। मेरा छोटा भाई उससे कहना मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों पे बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही उसका भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहाँ जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाते निभाते उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी ख्वाहिश, मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी मौत का मातम ना करना, ये शहादत मैंने खुद चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। शुक्रिया।